वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गल करांगे इस वीडियो विच राहुल गांधी ते आने वाली इलेक्शन बारे। ते इस बंदे दा की भाग है आने वाले जिहड़ी इलेक्शन विच, ते जिहड़ी आने वाली इलेक्शन है इहदे उत्ते राहुल गांधी दा की प्रभाव पएगा, की इस ते कांग्रेस का कैंडीडेट बन दे लोगों की सोच ते ते उस देश उत्ते प्रभाव पैण दी जिहड़ा प्रभाव पै सकता असीं उहदे बारे विस्तार विच विचार करांगे इस वीडियो दे विच। ते इस दीआं नाकामियां ते इस दीआं चंगियाईआं जां उहनां बारे असीं विचार करांगे इस वीडियो विच। सब तो पहली गल, एक गल स्पष्ट होनी चाहिए है कि जो इलेक्शन है ये सिर्फ ते सिर्फ एक ड्रम है, इहदे विच कोई असलियत नहीं है। ये दोनों पार्टियां बीजेपी ते कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां दी होंद पूरी यूनियन विच नहीं है, क्योंकि जेड़ी पिछली बार जिले इलेक्शन हुई उत्ते मैगा इलेक्शन फ्रॉड हुंदा है, पर फ्रॉड तो बाद भी इन्हां नूं सिर्फ पूरे यूनियन दे विच्चों इन्हां दोनों पार्टियां नूं, कांग्रेस नूं अते बीजेपी नूं, सिर्फ 30% वोट पई है। ये एक बहुत गंभीर गल है, इहनूं विचारन दी लोड़ है। ये दो अपने आप नूं कहिंदे ने असीं नैशनलिस्ट ते मेन स्ट्रीम, अपने आप नूं प्रमुख पार्टियां कहिंदे ने, पर इन्हां दोनों प्रमुख पार्टियां नूं सिर्फ 30% वोट पै रही है। विचार करन दी लोड़ है, ये उहनां लोकां दे विच्चों पै रही है जिहड़े वोट पा रहे ने। फिर आपां नूं खुद हिसाब लाना पएगा भी जिहड़े नहीं पा रहे उहनां नूं मिलाया जावे तो इन्हां दी परसेंटेज कुछ भी नहीं रह जांदी। कहण दा भाव यह है भी जिन्ने भी बखरे बखरे राज ने इंडिया यूनियन दे विच, इंडियन उन्हां दे विच इन्हां दी, इन्हां दोनों पार्टियां दी, अपने आप नूं प्रमुख पार्टियां कहण वालियां दी कोई होंद नहीं है। ये सिर्फ ते सिर्फ गठजोड़ इन्हां ने बना के, एक ये जो गठजोड़ ने एक ड्रामा है लोगों बेवकूफ़ बनाउण दा। ते ये जिहड़े गठजोड़ ही असल विच एक ऐसा तरीका है जिस दे कारण ये जिहड़ियां दो, क्योंकि ये दो पार्टियां दी विचारधारा है एक, मैं बेनती करां वो विचारधारा है स्पष्ट, उहदा नां है हिंदुत्व, हिंदू अतवाद फिरका प्रस्त इंसानियत दे दुश्मन विचारधारा, जिसनूं पुराने समयां विच ब्राह्मणवाद किया जांदा सी। ते अज उन्होंने एक नवां नां रख दिता है अज दे समें दे अनुसार, उहनूं कहिंदे ने हिंदुत्व। करां बेनती मैं संगतां दे चरणां विच, राहुल गांधी दे बारे जी तुसीं इहदियां पॉलिसियां समझणियां ने, इहदी विचार समझणी है, इहदा पछोकड़ देखना बहुत जरूरी है। इन्हां दा पछोकड़ जिहड़ा सब तो पहला इतिहासिक तौर ते ध्यान विच आंदा है वो आंदा है गंगू ब्राह्मण दा। मैं बेनती करां थोड़ा जिहा गंगू ब्राह्मण ते प्री हिस्टरी देख लईए। पहाड़ी राजे गंगू ब्राह्मण नूं गुरु घर विच इंटैलीजेंस लैण लई भेजदे ने, बहुत सोचण ते समझण वाली गल है। पहले दिन तो एजेंट बिके हुए गिरे हुए कमीने खून दा प्रतीक गंगू, ते उस तो बाद ते असी जानदे ही हैं भी किद्दां। फिर उस तो बाद एक जिहड़ा होर प्रमुख लीडर आंदा इन्हां दे गंदी नसल चों, वो आंदा है जवाहर लाल नेहरू दा पे, जो कि नंबर वन ब्रिटिश जिहड़ा उत्थे इंपीरियलिज्म सी उहदा सब तो ज़्यादा गिरिया होया बिकिया होया इंसान सी। ते उस तो बाद नेहरू आप आ जांदा, फिर असीं खुद ही जानदे हैं गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ते हुण आप आ गया। पर दो चीज़ां समझण दी बहुत जरूरत है सतसंग, क्योंकि पिछले 60 सालों विच इस तरंगी जो लीर है इस दे थल्ले
इस दी शान थले जो उत्थे अतवाद कतलेआम इंसानियत दा कहान हो रहा ये तरंगी लीर थले लुकाउण दी कोशिश कर रहे ने ते उन्हां नूं लोकां दी अखां च धूल पाउण लई लोकां नूं बेवकूफ बनाउण लई कदी कांग्रेस नैशनलिज्म अगां खड़ा कर दिंदी है कदी हिंदू नैशनलिज्म गां खड़ा कर दिंदी है विचार करन दी लोड़ है दोने नैशनलिज्म ने दोने ओही विचारधारा जिहड़ी जे कॉन्स्टिट्यूशन दी गल करिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट करदा है हिंदूवाद हिंदी हिंदू ते हिंदुस्तान दा प्रतीक है कॉन्स्टिट्यूशन इहनू समझण दी लोड़ है सिखां नूं ते बहुत ज़्यादा इस दा पता होना चाहीदा है क्योंकि तुहाडे ते जन्म तो लैके विआह तक इक ही तुहानूं दिसा जांदा है हिंदू मैरिज एक्ट ते हिंदू कागज सिक्खी दा ते सिख दा ते उत्थे नामो निशान तक नहीं है बेनती करां संगतां दे चरणां विच ये गंदी औलाद गंगू तो बाद जिहड़ा मेन प्रमुख इन्हां दा लीडर बनदा है वह है नहरू नहरू तो बाद जिले असीं गल करिए हुण जिहड़ी सब तो वड्डी मुश्किल आ गई है इस सिस्टम नूं क्योंकि राहुल गांधी नूं उपर लिआउण वाले भी उही बंदे ने मैं स्पष्ट करा उस खिते नूं चलाउण लई जिहड़े सब तो वड्डियां ताकतां ने उस खिते विच जिहड़ियां ते नॉर्थ विच ने अपने पंजाब वाले इलाकियां विच ओह ने पहाड़ी राजे ते उन्हां दे खानदान ते जिहड़ियां साउथ जिहड़े थल्ले इलाके ने उन्हां विच्चों आ जांदे ने मितो टाटा ते अंबानी ए दो असल विच दो नहीं ए एक ही गठजोड़ है जो उस खिते नूं चला रहा है ये असल विच जे तुसी राहुल गांधी नूं समझना चाहते ये राहुल गांधी एक कठपुतली है उन्हूं चलाउण वालियां ये ताकतां दो ने पहाड़ी राजे ते आ जिहड़े लोग ने ते हुण सब तो वड्डी जिहड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि हुण ये तरंगी लीर दे थल्ले भी राहुल गांधी नूं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता वो इन्ना ही साबित नहीं कर सकते लोगों दी निगाहों विच जिहड़े इंडियन नैशनलिस्ट ने मैं बेनती करा जिहड़े रोज़ इंडिया का झंडा चक के दौड़ते फिरते ने जिन्हां नूं पता ही नहीं की हो रहा उन्हां नूं ये लोग ये नहीं कह सकते कि ये बंदा इंडियन है उत्थे दा नेटिव है क्योंकि लोगों नूं बहुत भंबड़ भूसे है गांधी परिवार बारे मैं स्पष्ट करा ना तो सानू इन्ना ही इस गल की ही गरंटी है कि जिहड़ा राजीव गांधी सी कि वो इस इंसान का पे सी राहुल गांधी का ये बहुत सोचने वाली गल है क्योंकि जिहड़ा चिट्टा चमड़ा सोनिया गांधी वो तो कंप्लीट वाइट इंपीरियलिज्म है मैं स्पष्ट करदा उन्हां वो तुसी कदी भी उस खिते विच उस रूप रंग का इंसान लियाओगे तो लोग सिर्फ यही कहेंगे कि ब्रिटिश अंपायर फिर आ गया सोचण दी गल क्योंकि जे लोगों इन्ना ही नहीं पता कि ये बंदा क्योंकि ये क्लेम कर रहा है ये राजीव गांधी की औलाद है जे ये इन्ना भी स्पष्ट नहीं कर सकते तो लोगों इन्हां दी इन्नी भी गल ते यकीन नहीं भी ये बंदा उत्थे दा खून दे नाल इहदा कोई तालुक है क्योंकि मैं स्पष्ट करा ना तो कभी किसी इंडियन जेडे उत्थे दे रहण वाले लोग ने उन्हां नाल इहदी शक्ल मिलती है ना ही तो रहन सहन मिलता है हुण ये जेडे मगर बैठियां ताकतां ने उन्हां लई ये नामुमकिन हो गया कि इस बंदे नूं खड़ा करके उत्थे दा प्राइम मिनिस्टर बना के मूहरे खड़ा कर देना क्योंकि मूहरे खड़ा जिन्हां लोगों ने मूहरे करना है तो ये कोई मिलाप नहीं एक फॉरन एंटिटी है इस करके एक गल स्पष्ट है कि इस बंदे दा इस बंदे दी नाकामी
ਕੱਲੀ ਇਸਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਕੈਂਪੇਨ, ਯੂ ਵਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਬੈਡ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਾੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਾੜਾ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਖੇਤੇ ਦਾ ਉਸਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਘਟੀਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ RSS ਅਤੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇੰਨਾ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਚਮੜਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਲੂਜਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤਦਾ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਡ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕਈ ਖਿੱਤੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ BJP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜੀਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦ ਚੋਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਮਜੀਠੀਆ, ਮਿੱਤਲ, ਬਾਦਲ, ਟਾਟਾ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਖੂਨ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ,
उस लोगों का खून पीण विच इन्हों चंद लोगों का ते इन्हों परिवार का हमेशा तो ही हथ रहा सानू समझण दी लोड़ है। अज ये परिवार फिर ताड़े लीडर ऑलरेडी चुन चुके ने, मैं बेनती करा इलैक्शन तो फ्रॉड उसले हो जाता जिले ताड़े को सिर्फ दो बंदे मूहरे इकट्ठे करके दे दिते जाते हैं, दो बंदे ये दो बंदे लिया के मूहरे खड़े करना विच कोई चॉइस नहीं है। ये जिन्ना मर्जी उन्हों गणतंत्र कह दें शणतंत्र कह दें, असल विच ये सिर्फ तो सिर्फ हिंदू अतवाद का राज उत्थे चलन दिया। सानू समझण दी लोड़ है क्योंकि जिसले उस खिते दे अंदर इन्हां दी आर्मी, मैं बेनती करा इन्हां दी आर्मी दे हाई रैंकिंग ऑफिसर जेड़े ने उच्च अधिकारी उस खिते दे अंदर बंब चलांदे फड़े जान ते ओ स्पष्ट करदी है भी ओ जेड़ी स्टेट है ते ओदा जेड़ा रजीम है वो कित्थे खड़े ने। सानू समझण दी लोड़ है। राहुल गांधी एक इतना बैड कैंडिडेट है क्योंकि उसकी बैड कैंडिडेसी करके मोदी जितेगा, क्योंकि मोदी का सब तो जितने का बड़ा कारण है क्योंकि असी राहुल गांधी का भाषण तो सुन ही लिया, क्योंकि उदे ते विचारां दा ते पॉलिसियां दा, क्योंकि जेड़ियां पॉलिसियां वह कर रहे ने उही पॉलिसियां दा प्रचार मोदी कर रहा, कोई फर्क नहीं आना उन्होंने। हाँ इन्ना जरूर है कि मोदी क्योंकि वह कंप्लीटली पागल इंसान है जिसका दिमाग बिल्कुल फिर चुका है, उन्हें वह पॉलिसियां इन्नी तेजी तो जोर ना मूहरे लैके आना है, लोगों मारन दियाँ लोगों कतल कर दियाँ कैंसर किमें होर तेजी ना लैके आना है, उत्थे किसी ना किसी देश ना लड़ाई किमें शुरू करनी है, जिहड़ी लड़ाई लुके हो रही सी वो सामने किदां करनी है, घट गिणतियां दा कतलेआम होर किन्नी तेजी नाल करना है, यही फर्क होएगा। ये जिहड़ियां पॉलिसियां ये सरकार चला रही है उही वो चलाउणगे क्योंकि वो कंप्लीटली मानसिक तौर ते पागल इंसान ने, उहदी पॉलिसियां विच कुछ भी पॉसिबल है तां माड़ा मोटा फर्क हो सकता है, 1921 दा कुछ ज़्यादा नहीं। मैं बेनती करा संगतां दे चरणां विच फिर सानू जागण दी लोड़ है। ये दोनों धिरां एक ने, जिन्हां चिक असी ये नहीं समझ लैंदे उन्हां चिक हमेशा ही असी अपनी सोच ताकत ते पैसे ते अपने मन नू खराब करन तो सिवाए इन्हां दे मगर लग के होर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जाल है। सानू इस जाल नू समझण दी लोड़ है। जिन्नियां रीजनल पार्टियां लोकल वो भी इस जाल दा भाग ने, सानू समझण दी लोड़ है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।